पवार बैकस्टैब्ड क्यों? देखिए क्या शरद पवार ने आपके पीठ में छुरा होगा? या शरद पवार ने अपने भांजे के पीठ में छुरा होगा? हु डिड ही बैकस्टैब? डिड ही बैकस्टैब यू और डिड ही बैकस्टैब अजित पवार? देखिए, मैं दो सिनारियो आपको कह रहा हूँ, उसका अंतर से उद्धव ठाकरे जी ने जो किया वो पीठ में छुरा भोंकना था। पवार साहब हमारे साथ थोड़ी चुनकर आए थे, उन्होंने हमारा उपयोग किया, स्ट्रेटजी की और एक प्रकार से हम लोगों को मिसलीड करके वो निकल गए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि डबल प्लेइंग जिसको कह सकते हैं, उस प्रकार का काम उन्होंने किया। छुरा घोंपने का काम तो उद्धव ठाकरे ने किया। तो आप कह रहे हैं दैट शरद पवार डबल क्रॉस्ड यू? यस, शरद पवार ने डबल क्रॉस, डबल गेम खेला। आप कह रहे हैं शरद पवार डबल गेम खेलते हैं? खेला है। हाँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपके साथ डबल गेम खेला है। बीजेपी के साथ शरद पवार ने डबल गेम खेला है, मगर वो तो कहते हैं कि मुझे तो बीजेपी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ना है। हाँ तो लड़े, नहीं मगर डबल गेम खेल रहे हैं, नहीं अभी कर रहे हैं, डबल गेम खेलते हैं। उस समय उन्होंने वैसा किया जो मैंने कहा। आप इसको किस फ्रेमवर्क में डिफाइन करना चाहते हैं मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि अजित पवार और मैं अचानक उठकर सुबह शपथ लेने के लिए नहीं गए। ये तय हुआ था कि हम साथ में मिलकर करेंगे, हम दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी, उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें की थी, लेकिन बाद में चीज़ें बदली। मुझे कोई कभी डबल क्रॉस करे फडणवीस जी तो मैं तो उनसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तो उनसे कभी मिलूंगा। आप तो मुझे जानते हैं, यही मेरा अप्रोच है लाइफ में। तो आप जिन्होंने आपको डबल क्रॉस आप नहीं कह रहे, डबल गेम खेला आपके साथ, उनके साथ फिर से आप क्यों बात कर रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप क्यों करेंगे? मैं बताऊँ मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है।